यूं तो आपने अपनी लाइफ में कई तरह के क्रैब्स देखे होंगे, लेकिन आज हम जिन क्रैब्स के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें देखकर आपके मुंह से भी निकल पड़ेगा कि वाह, ऐसे भी केकड़े होते हैं क्या। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 12 ऐसे ही खूबसूरत क्रैब्स की प्रजातियों से मिलवाएंगे जिन्हें आपने आज तक नहीं देखा होगा। तो हमारे इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहे, हमारा ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। नंबर 12, वाटरमेलन फिडलर क्रैब। तरबूज की तरह दिखने वाले इस केकड़े का नाम इसके रूप के आधार पर ही रखा गया है, जो देखने में सचमुच किसी तरबूज की तरह ही दिखाई देता है। आमतौर पर ये केकड़े पश्चिमी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। इसके साथ ही वाटरमेलन फिडलर क्रैब चाइना, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड और इंडोनेशिया में भी बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। और अगर बात करें इनके रंगों की, तो इनके कवच का रंग नीला होता है, जिसके ऊपर मोटी मोटी काली लाइन खिंची होती है, और इनके पैर और पंजों का रंग गुलाबी होता है, जो दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। इन्हें दूर से ही देखने पर इनकी सुंदरता का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। इन केकड़ों की खास बात यह है कि लड़ाई के दौरान या किसी भी और वजह से अगर इनका कोई पंजा कटकर अलग भी हो जाता है, तो वो दोबारा से निकल आता है। लेकिन ये बात अलग है कि नए आने वाले पंजे पहले वाले पंजों के मुकाबले में थोड़े छोटे होते हैं। नंबर 11, लाइट ब्लू सोल्जर क्रैब। ये सोल्जर क्रैब रेतीले समुद्री तटों पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इन केकड़ों की प्रजाति आमतौर पर अपना ज्यादातर समय रेत के अंदर बिताती है, और शाम होने के कुछ घंटे पहले ही ये भारी सतह पर बाहर आती है। केकड़े की इस प्रजाति को सैनिक केकड़े के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अक्सर ये कीचड़ वाली जमीन पर सैकड़ों की तादाद में परेड करते हुए नजर आते हैं। देखकर ऐसा लगता है जैसे सैनिकों की बटालियन चली आ रही हो। इनकी इतनी बड़ी फौज इन्हें इनके शिकारियों से भी बचाती है। लाइट ब्लू सोल्जर क्रैब आमतौर पर सिंगापुर, बंगाल की खाड़ी और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और अगर इनकी साइज की बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर तक चौड़े होते हैं। नंबर 10, रेड घोस्ट क्रैब। इस केकड़े को घोस्ट क्रैब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी आंखें मोटी और लंबी होती है। साथ ही इसका शरीर एक बॉक्स के जैसा होता है, और इसका एक पंजा दूसरे पंजे से बड़ा होता है। इस केकड़े का यही रूप काफी डरावना होता है। ये केकड़े आमतौर पर समुद्र के आसपास अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसका कारण ये है कि इन्हें समुद्री तट पर रहना कुछ ज्यादा ही पसंद होता है, और जब ये केकड़े बड़ी संख्या में अपने बिलों से बाहर निकलते हैं, तो पूरा का पूरा समुद्री तट चमकीला लाल दिखाई देने लगता है। हालांकि इनकी साइज की बात करें तो इनका आकार 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होता, और ये पूरी दुनिया में ट्रॉपिकल रीजन्स के रेतीले तटों पर पाए जाते हैं। नंबर 9, गोल्डन घोस्ट क्रैब। ये केकड़े अपने सुनहरे पीले रंग के कारण दूर से ही आसानी से पहचाने जा सकते हैं। इस प्रजाति के केकड़े दूसरे घोस्ट क्रैब की तुलना में थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं। इनके कवच की चौड़ाई करीब 5 सेंटीमीटर तक होती है। साथ ही इनके पंजे भी दूसरे केकड़ों के तुलना में थोड़े बड़े होते हैं, और इनका शरीर भी एक बॉक्स के आकार का होता है। गोल्डन घोस्ट क्रैब आमतौर पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट पर पाए जाते हैं, और ये खुले रेतीले समुद्रों वाले तटों पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ताकि ये अपना बिल ज्यादा गहरा बना सके। दरअसल इन्हीं समुद्री तटों पर बहुत सारे समुद्री कछुए अपने अंडे देकर चले जाते हैं, और यही अंडे इन केकड़ों के लिए किसी दावत का काम करते हैं। नंबर 8, ब्लू क्रैब। ब्लू क्रैब एक बहुत अच्छे तैराक होते हैं, जो पानी के अंदर तैरने के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पर ये अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट और मेक्सिको की खाड़ी में समुद्री तट पर पाए जाते हैं। और बात करें इनके रंग रूप की, तो ब्लू क्रैब के शरीर और पैर नीले रंग के होते हैं, और अगर बात करें इनकी साइज की, तो इनकी चौड़ाई करीब 9 सेंटीमीटर तक होती है। वैसे आमतौर पर ब्लू क्रैब इंसानों द्वारा खाने के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जब इस केकड़े को पकाया जाता है, तो इसके खोल को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इस नीले केकड़े का रंग लाल में बदल जाता है। इस क्रैब का मांस मीठा और नमकीन होने के साथ काफी टेस्टी भी होता है, जिसकी वजह से मांसाहारी लोग इसे खाना बहुत ही पसंद करते हैं। नंबर 7, हैलोवीन क्रैब। इस प्रजाति के केकड़े आमतौर पर मेक्सिको के दक्षिण से लेकर पनामा तक रेत के टीलों और वर्षा वनों में पाए जाते हैं।
ये केकड़े यूं तो हमेशा जमीन पर ही पाए जाते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए इन्हें पानी के करीब जाना पड़ता है। इन केकड़ों की साइज की बात करें तो इनका आकार लगभग 5 सेंटीमीटर और इनका पंजा 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है, लेकिन ये खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में अपने पंजे के ऊपर बैठ जाते हैं। ये केकड़े दूर से ही दिखने में काफी सुंदर और शानदार दिखाई देते हैं, और इनकी इसी सुंदरता के कारण इन्हें हैलोवीन नाम दिया गया है। अब अगर बात करेंगे इनके रंगों की, तो इनके कवच और पंजों का रंग नीला होता है, साथ ही इनके पैरों का रंग नारंगी होता है। इसके अलावा इनकी आंखों के पीछे पीले रंग का एक धब्बा होता है, जो इनकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। नंबर 6, रेड स्पॉटेड ट्रेपीज क्रैब। इस प्रजाति के केकड़े आमतौर पर इंडो पैसिफिक मालदीव्स के आसपास पाए जाते हैं। अगर बात करें इनके साइज की, तो ये 5 सेंटीमीटर तक बड़े होते हैं। अब अगर बात करें इनके रंग रूप की, तो ये केकड़े दिखने में काफी आकर्षक और सुंदर दिखाई देते हैं। इनके शरीर का कलर उजला होता है और उस पर लाल और गुलाबी रंग के गोलाकार धब्बे होते हैं। हालांकि ये धब्बे कभी कभी गहरे रंगों के भी होते हैं। इस प्रजाति के केकड़े आमतौर पर अपने रहने के लिए ऐसी जगह चुनते हैं जो इनकी बॉडी के कलर और बनावट से मिलती जुलती होती है, जहां ये बड़ी ही आसानी से खुद को छुपा सकते हैं। इन केकड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन स्टारफिश होती है। यही कारण है कि केकड़े अपने आप को बचाने के लिए बहुत ही गहराइयों में जाकर छुपते हैं। नंबर 5, कोकोनट क्रैब। कोकोनट क्रैब आमतौर पर दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में पाए जाते हैं, और अगर बात करें इनकी साइज की, तो ये आम क्रैब्स के मुकाबले काफी बड़े होते हैं। एक वयस्क कोकोनट क्रैब की लंबाई करीब 1 मीटर तक होती है और इनका वेट करीब 4.5 किलो तक होता है। एक वयस्क कोकोनट क्रैब का रंग हल्के और गहरे बैंगनी से लेकर भूरा भी होता है, जबकि बच्चे भूरे रंग के होते हैं, जिनके पैरों पर काली धारियां होती है। ये क्रैब इतने ताकतवर होते हैं कि नारियल के मजबूत कवच को भी तोड़ सकते हैं। इसके साथ ही इनके पास सूंघने की जबरदस्त क्षमता पाई जाती है, जिसके जरिए ये अक्सर भोजन की तलाश में रात के अंधेरे में बाहर निकलते हैं, और जहां कहीं से भी महक आती है उधर निकल पड़ते हैं भोजन की तलाश में। नंबर 4, पालावान पर्पल क्रैब। इस प्रजाति के केकड़े की खोज साल 2012 में की गई थी, और जब रिसर्चर्स ने इस प्रजाति के केकड़ों को खोजा था, तो उनके लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं थे। कारण है कि इस प्रजाति का मेल हमेशा बैंगनी और फीमेल गहरे लाल रंग की होती है। ये प्रजाति आमतौर पर फिलीपींस में पाई जाती है। ये केकड़े आमतौर पर मीठे जल में रहना पसंद करते हैं। मेल्स के शरीर के ज्यादातर हिस्सों के बैंगनी होने के कारण ये दिखने में काफी शानदार दिखाई देते हैं। नंबर 3, कैंडी क्रैब। इस प्रजाति के केकड़े को अब तक के सबसे दिलचस्प केकड़ों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये केकड़े बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं। यही वजह है कि इनका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से अपने रंगों को आसानी से बदल सकते हैं, और यही कारण है कि अपने दुश्मनों की नजरों से खुद को बड़ी आसानी से बचा लेते हैं। अगर बात करें इनकी साइज की, तो ये केकड़े 1.5 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक चौड़े होते हैं। नंबर 2, साली लाइटफुट क्रैब। इस प्रजाति के केकड़े आमतौर पर दक्षिण और मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट के पास पाए जाते हैं। अगर बात करें इन केकड़ों के रंग रूप की, तो इनके कवच का रंग काफी ब्राइट होता है और इसके पैरों का रंग लाल होता है। यही कारण है कि जब भी अपने सभी पैरों और पंजों को फैलाते हैं, तो इनकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस प्रजाति के केकड़े असल में अपने सुंदर रंगों की वजह से दूसरी प्रजातियों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। नंबर 1, गाउडी क्लाउन क्रैब। इस प्रजाति के केकड़े आमतौर पर मेक्सिको में पाए जाते हैं। बात करें इसके रंग रूप की, तो इस केकड़े का कवच चमकीले नारंगी रंग का होता है, जिसमें नीले रंग के धब्बों के साथ सफेद रंग भी शामिल होता है। साइज की बात करें तो ये केकड़े 3 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते हैं, यानी ये आमतौर पर दूसरी प्रजातियों की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं, और यही कारण है कि लोग इस प्रजाति के केकड़ों को एक्वेरियम में रखना काफी पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 12 खूबसूरत क्रैब्स। आपको ये रंग बिरंगे और खूबसूरत क्रैब्स कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।